स्वामी, असुरों को ऐसा क्यों लगता है कि देवताओं के पतन में ही उनका उत्थान है? क्यों वो दोष अपने आचरण में नहीं देख पाते? स्वामी, असुर समाज इस प्रकार कभी भी स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकेगा। हाँ पार्वती, किसी का पतन किसी के उत्थान का आधार नहीं बन सकता। उत्थान तो व्यक्तिगत होता, आंतरिक होता। जब किसी समाज में प्रत्येक व्यक्ति इस आंतरिक उत्थान के लिए अग्रसर, तभी समाज में परिवर्तन वास्तविक रूप से संभव है। प्रतिशोध में हिंसा, हिंसा जितनी क्षति किसी दूसरे को पहुंचाती है पार्वती, उससे कहीं अधिक क्षति स्वयं को पहुंचाती है। असुरों ने सदैव केवल यही देखा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने परिस्थितियों और व्यक्तियों को दोष देकर प्रतिशोध लेने का प्रयास किया, किंतु किसी ने कभी ये नहीं सोचा पार्वती कि जिसे वो अन्याय समझ रहे, क्या वास्तविकता में वो अन्याय है भी या नहीं, और यदि अन्याय है तो उसके कारण क्या। असुरों ने कभी भी अपने अंतर मन में झांक कर नहीं देखा कि क्या कभी उनसे भी कोई भूल हुई थी। आत्मविश्लेषण का कभी कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने सदैव केवल यही समझा कि त्रिदेव ने और देवताओं ने उनके साथ विश्वासघात किया, किंतु उन्होंने अपने द्वारा किए गए विश्वासघात पर कभी विचार नहीं किया। उन्होंने जब भी जो भी वरदान मांगा है उन्हें अवश्य प्राप्त हुआ है, किंतु विडंबना देखो, उन्होंने उन वरदानों का सदैव दुरुपयोग ही किया। व्यक्तिगत कारणों के लिए, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए